वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाचाकृपतरुवश कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपद देवी सत्यवत्त्वे नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरन् धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंचनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पुनतपालभवद्विभूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंद यत्पाद पल्लवनखचंदमणि छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग्र सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करिष्यसि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकेतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानुसिपुरपति भजवीशनाथं बागीशजुष्वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मम उर्जिता न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मम उर्जिता। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जी ने बताएं जी किसने तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीव का एक बड़ा भारी बीमारी। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं कृष्णे तरो विषय संग्रह करा, कृष्णे तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक बड़ा भारी बीमारी है। कृष्णे तरो विषय किसको बोला जाता है? कृष्णे तरो विषय मतलब कृष्ण इतर अर्थात कृष्ण छोड़ के और कृष्ण संबंध छोड़ के जितना सारे तमाम जमीन जायदाद जो कुछ भी संगो करो जिसका साथ कृष्णों का कोई संबंध नहीं है नहीं रखा ये कृष्ण तरो विषय। कृष्ण सेवा कृष्ण संबंध छोड़कर जितना सारे जड़ जगत का जितना सारे संपत्तियां विषय संग करने का एक बीमारी है, सबसे बड़ा बीमारी। कृष्णे तरो विषय संग्रह करा बद्ध जीवों का सबसे बड़ा एक बीमारी है। अपना सुख का अनुसंधान करना बद्ध जीवों का स्वाभाविक वृत्ति, स्वाभाविक मतलब ये जगत का अंदर स्वाभाविक। अगर हम बोलने जाए कि व्हाट इज क्वाइट नेचुरल जो एकदम स्वाभाविक है आत्मा का, तो उत्तर आता है भगवत भक्ति। भक्ति भक्ति जो चीज है भगवान का भजन करना भगवान का सेवा करना भक्ति आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति। लेकिन इधर हमने बताएं जो अपना सुखों का अनुसंधान करना ये एक स्वाभाविक वृत्ति है बद्ध जीवों का, आत्मा का नहीं बद्ध जीवों का सबसे बड़ा बीमारी है। क्योंकि विषय में आनंद तो जरूर है, लोग तो पागल हो जाते हैं ना विषय आनंद लेने में, तो जरूर आनंद तो जरूर है नहीं तो क्यों भाग रहा है। बोला हाँ, विषय रस में आनंद प्राप्त होना और वास्तविक जो अप्राकृत जगत का जो रस जिसका बारे में उपनिषद जी बताए रसो वैश निश्चित परिमाण निश्चित रूप से जान लेना परात्पर अखिलेश्वर भगवान यही रस स्वरूप है और अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जैसा भी रस का वृत्ति है सारे यही भगवान श्री कृष्ण से आया है। अन्य व्यतिरिक्ताभ्याम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम एंजॉयमेंट जो है भगवान श्री कृष्ण से ही आया है।
भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जीवात्मा भी आनंदमय है। जीवात्मा का जो स्वरूप है इसमें चिन्मय है, ज्ञानमय है, चिन्मय, ज्ञानमय, आनंदमय है, लेकिन बहुत क्षुद्र, इतना क्षुद्र है जे सोचा भी नहीं जाए। बद्ध जीव जरो विषय में आनंद मिलता है, इसीलिए भागता है, लेकिन तमाम विषय का जो मूल विषय है, तमाम अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी, जहां भी, जैसा भी विषय है, तमाम विषय का जो मूल है, जो कृष्ण नामक जो विषय है, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व विषय का श्रेष्ठ विषय है भगवान श्री कृष्ण। जो विषय प्राप्त होने का बाद और दूसरा कोई विषय मांगने का चाहत नहीं पैदा होगी, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति, जस्मिन ज्ञात्वे सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, जो प्राप्ति होने का बाद और दूसरा कोई प्राप्ति का इच्छा ही नहीं रह जाता, जो चीज को जानने का बाद और दूसरा कोई चीज जानने का इच्छा ही नहीं पैदा होता, ये है कृष्ण। जो लोग विषय सुख में आनंद मिलता है, आनंद लेता है, जरूर वो भगवान का सेवा में आनंद मिलता नहीं, उसका उल्टा विषय में आनंद मिलता है। जैसे सिख अष्टक में भगवान बताया, दुर्दैव मिद्दिशम मिहाजुनी नानुरागा, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वस्तत्तार्पिता नियमित स्मरण कालो एतद्दिशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिद्दिशम मिहाजुनी नानुरागा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तमाम शक्ति एक नाम पे हैं, इतना सारे जो कुछ भी है सब नामों का अंदर है। नाम नाम अकारी बहुत अनिजो सर्वस्तत्तार्पित है, इसका लिए कोई नियम देश काल पात्र कोई कुछ नहीं है, हर वक्त बोला जाए हर वक्त। लेकिन भगवान अपना नाम में आप सारे तमाम तकोत शक्ति दे दिया, सब कुछ हो सकता है हरि नाम के द्वारा। लेकिन हमारा दुर्दैव, हमारा तकदीर खराब है, इसमें मजा नहीं मिलता। हमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग, भक्तिमय ठाकुर जी ने लिखा। ऐसा ही हमारा बुद्धि अकल, बुद्धि खराब है। जैसे जॉन्डिस रोगी, जानते हो ना जॉन्डिस रोगी, पीला रोग, जॉन्डिस बीमारी में जितना सारे मीठा दो, मिश्री दो, मिश्री बहुत सीता मिश्री कुछ भी दो उसको, लेकिन अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है। मीठा वस्तु भी कड़वा लगता है। रूप गोस्वामी पर इसके बारे में बोला उपदेशामृत में, स्वाद ही कमाद भवती तदगत मूल हंती, स्वाद ही कमाद भवती, वो अच्छा नहीं लगता मिछरी कैनरी, लेकिन वो फिर भी जोर जबरदस्ती उसको है ना धीरे धीरे खाते रहे मिछरी, तो आगे चल के वो मीठा लगने लग जाएगा, आगे चल के वो मीठा लगने लग जाएगा, क्योंकि ये तो मीठा तो ओरिजिनल है ही है। ये तो सिर्फ हमारा जॉन्डिस रोग है, पीला बीमारी, इसलिए अच्छा नहीं लगा, लीवर विकृत हो गया। साध ही कमाद भवती तदगत मूल हंती, धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा, और जड़ से जाकर वो बीमारी को उखाड़ के फेंक देने वाला वही मिश्री। हरि विमुख विषय शक्तो, हम लोगों का लिए भी ये उदाहरण काफी है।
परम मधुर कृष्ण नाम कृष्ण सेवा में रुचि नहीं लगती, मन नहीं है। और ये शरीर के ऊपर लगन है, विषय के ऊपर लगन है, जितना भी कष्ट हो शरीर में विषक क्रिया होने से भी अच्छा लगता है। और फॉर्मूला क्या है हमारा जिंदगी का, मानी 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 स्वीटर देन हानी, हो रुपया हैं तुम तो मधु से भी अच्छा, शायद से भी मीठा, ये मेरा जिंदगी है। तो कहाँ भगवान है और कहाँ ये सब दुनियादारी का चीज है। इतना आसक्ति है, इतना आसक्ति, जरा सा भी बोलो हैं। हम गजेंद्र मोक्षम बताने गया, उदाहरण दिया दो बद्ध जीवों का उदाहरण, तो गजेंद्र से क्या महाराज, हम लोग हाथी हैं क्या? अरे हाथी से भी नीचा है, हाथी तो और अच्छा है। बोले क्या इतना सेंटिमेंट है, लग गया, हरि का तो सुनने बैठा है, शर्म नहीं आता क्या? हम हाथी है महाराज, हमको हाथी बोला, अरे क्या बात है, बच्चा से भी। तो ये जो कैंड्री है, मिश्री है, ये पीला रोग का एक दवा है, परहेज। जैसे मिश्री अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी चूसते 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 फिर पीला बीमारी हट जाए, पित्त का बाइल्स का जो बीमारी है वो हट जाने से फिर अच्छा लगने लग जाएगा मिश्री। ऐसे ही तद्रूप इच्छा नहीं लग रहा है हरि नाम करना, हरि भजन करना, कुछ नहीं है, विषय अच्छा लग रहा है, फिर भी थोड़ा जल्दी करो, जिंदगी जा रहा है, इच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी करो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, हरि कथा सुनो। जितना हरि कथा सुनोगे, ये हमारा कोई लाभ नहीं है, हम तो जंगल में भी बोलते रहते हैं, किसी का सौभाग्य है सुन, नहीं तो जा। तो भगवत सेवा जो है, माधुर्य अनुभव हो जाएगा, पहले अच्छे नहीं लगेगा, करते चलो। और पोपा जी भी बताए, भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया, थोड़ा ऊंचा 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 बोल के हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोल के पोपा जी ने बताया। उच्च स्वर में हरिनाम करने से अपना शरीर का जो जाड्य है, जाड्य माने अनइजी फीलिंग, शरीर में एक तो ऐसा है कि अच्छा नहीं लगता, आलसी, ये आलसी चला जाएगा। और दूसरा बात ये है कि जितना सारे अनर्थ राशि है, ये अनर्थ जो है धीरे भगने लग जाएगा, क्योंकि ऊंचा बोलने से अपना कानों में भी जा रहा है, और ऊंचा बोलने से तमाम चारों ओर का कीड़े मकोड़े सब कोई का वो शब्द ब्रह्म, तो अगर शब्द ब्रह्म हो अच्छा हरिनाम करे तो, और जो हरिनाम बद्धजीव करते रहते हैं कि वो जड़ हरिनाम, अप्रागित हरिनाम नहीं है, मतलब जड़ हरिनाम, मतलब हरिनाम कभी जड़ होता नहीं, लेकिन मानी ये है तो ये हरिनाम तो उच्चारण कर रहा है, लेकिन इट इम्प्लाइज मेटेरियल साउंड, इसका जवान से अप्राकृत हरिनाम निकल नहीं रहा, ये सबसे बड़ा बात है। तो ये करते करते क्या, करते करते तमाम इंद्रियां जो है धीरे धीरे वशीभूत हो जाए, और तमाम इंद्रियों मन जब भगवान का सेवा में लगन लग जाए, तब ही वास्तव हरिनाम जीवा में उदित होता है। सेवन मुखे ही युहायम अदो स्वयमेव स्फुरत अदा, सेवन मुखे, जब सारे इंद्रियां सेवा करने के लिए व्यस्त, हमारा आंखें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के तरसते रहते हैं, हमारा जवान जो है भगवान का नाम जिह्वा,
भगवान का नाम संकीर्तन सुनने के लिए बड़ा बोलने के लिए उच्चारण करने के लिए व्यस्त रहता है, प्रसाद पाने के लिए मन तरसता है, ऐसा करके कानों पे हरिकथा सुनने के लिए बड़ा भारी इच्छा, ऐसा करके कहते तमाम इंद्रियां जो भगवान का सेवा में ही लग जाए, जैसे अम्बरीश महाराज का व्यवस्था है, सौ वही मनो कृष्ण पदा रविंद योर वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, ये जो है ऐसा करके तमाम इंद्रियां जो है अम्बरीश महाराज अपना सेवा में लगा दिया, भगवत सेवा में। इसी को बोलता है चतुराई। चतुराई अगर बोला जाए कृष्ण जे जौन कृष्ण भजे सहाय चतुर, जो कृष्ण भजन करता है ना वो सबसे बड़ा चालाक है, सबसे बड़ा चतुर शिरोमणि, चतुर शिरोमणि भगवान को भी बोका बना देता है, इतना चालू है। ऐसा करके इच्छा करके मजा का बात बोला, भगवान को तो भजन बोका बनाना ठीक नहीं है, लेकिन मजा से बोला, भगवान भी हर जाते हैं भक्तों का सपने। तो उस दिन चर्चा करते करते यहाँ तक आया, जो क्षण बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, बड़ा हम तो दोबारा चर्चा किया क्योंकि अच्छा नहीं लगा। ओ एक ही आत्मा हर जीवों का अंदर में विराजते हैं, एक ही आत्मा, एको एव परो ही आत्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः, एको एव परो ही आत्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः, एक आत्मा तमाम जीवों का अंदर में एक ही भगवान अंतर्यामी रूप में परमात्मा का रूप में विराजमान है, इसका बारे में कोई डाउट है नहीं, ये पक्का बात है, हर जगह एक ही शास्त्रों का प्रमाण मिल रहा है। लेकिन महाराज फिर भी हमारा दूजा दर्शन, दूजा ड्यूअल दर्शन चाहता नहीं, जो भगवान आपने सिखाया है ठीक है चलो मान लेंगे सब समान है, अपना जो दोस्त लोग है, अपना जो भाई बंधु पिता माता, ये लोगों का साथ समदृष्टि तो खैर चलो हो जाएगा, और जो ततस्थ है जो मेरे लिए प्यार भी नहीं है दुश्मनी भी, चलो इसका लिए भी हो जाएगा, लेकिन जो दुश्मनी पैदा करके रखा है, जो हर वक्त मेरा सत्यनाश करने में जुटे हुए हैं, ये लोग कैसे समदर्शन करे ठाकुर जी, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे संभव है, ये तो संभव नहीं हो रहा है। हाँ चलो दो तीन दिन के लिए प्रैक्टिस भी किया, लेकिन फिर जहाँ की तहाँ मन, क्योंकि मन तो बद्ध है, इसीलिए भगवान, इसीलिए अर्जुन ने बोला जो अयम जोगस्तया प्रक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामी चंचलत्वात् स्थितम स्थिरम, इसका जो स्टेबिलिटी आज नहीं तो कल जल्दी हो जाए ऐसा कोई कोई चांस दिखता नहीं, इसका व्याख्या हम कर चुके हैं, इसका व्याख्या कर चुके हैं, इसका व्याख्या में हम काल चर्चा कर चुके हैं, मानो कि ये तो असंभव है, और अंतिम में भगवान का सामने लगता है कि अर्जुन, लगता है कि अर्जुन अंतर से भगवान के सामने हाथ खड़ा कर दिया, अरे ये तो हमारे लिए बिल्कुल संभव है नहीं, असंभव है। और कृष्ण नाम से पुकारे कि कृष्ण नाम सबसे प्यारा, और यही नाम से अपना रिश्तेदार है ना कृष्ण को बुलाया, सबसे प्यारा नाम, और मानो कि लगता है कि कृष्ण तो जो सब जीव हर, जो सब जीव हर गया, वो अपना हिम्मत हर गया, और फिर तुम्हारा सामने तुम्हारा शरण ले लिया, तो उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता है,
इसलिए मानो कि लगता है अंदर से अर्जुन बोल रहा है कि चलो ये तो असंभव है, लेकिन आप जो है, आप जो सामने हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा करके कृष्ण के सामने ये दर्शन रख दिया। और काल ये चर्चा हुआ था, भगवान भी अपना प्रेम को आगे साबित करते हुए, देखो जैसे कृष्ण बोल रहा है उच्चारण, भगवान का नाम कृष्ण ने उच्चारण किया, वो भी इधर भगवान भी उसको कौंतेयो बोल के पुकार के पहले बताया महाबाहो, अरे किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में आपका आपका पराजय नहीं हुआ आज तक, चाहे दुर्जटी हो, शंकर हो, इंद्र को भी आप बस में लाया, प्रेम के मारे इंद्र इतना आपका सम्मान करने के लिए आपको लेके गया, और महदासनम एक ही सिंहासन में बैठाया, कितना बड़ा सम्मान दिया, और आप महाबाहो, और इसी बीच में ये जो हिम्मत हारने का क्यों इधर क्या है, हिम्मत क्यों हार रहे हो, असंग संयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन तो दुर्निग्रह है, इट कैन नेवर बी कंट्रोल्ड, है ना, असंभव है, असंभव से भी परे है। तो ठीक है, भगवान अभी बोला देखो महाबाहो बोल के तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो, जो सारे तमाम युद्ध में जय प्राप्त हुआ, अभी इधर छोटे मोटे विषय में नहीं महाराज, ये छोटे मोटे विषय थोड़ी है, सबसे बड़ा विषय है, हिरण्यकशिपु तमाम दुनिया को जय करने का बाद भी अपना सामने पराजित है, जैसे प्रह्लाद महाराज के चिल्ला रहे हैं, अरे कौन है हमारा भ्रू, हमारा जो भ्रू है आईब्रू थोड़ा टेढ़ा हो जाने से पूरा दुनिया चौंक जाता है, स्वर्ग मत तो पता तो हिल जाता है, तो तेरा कौन का ताकत है, हैं तेरा अंदर कौन ताकत है, तेरा अंदर में, ऐसा करके चिल्ला है प्रह्लाद महाराज। तो आदमी अक्सर सोचते हैं जो लोग का अंदर में बियरिंग पावर सहन क्षमता है, आदमी अक्सर सोचता है कि ये दुर्बल है, ये समाज का नियम है, जो सहन कर लेते चलो ठीक है अत्याचार के साथ भजन के लिए सहन के लिए, और जो जितना सहन करे वो लोग सोचता है कि ये दुर्बल है, ये शायद पावरलेस है, कोई पावरफुल नहीं है, वो जानकारी है नहीं कि सहनशीलता से बढ़कर कोई पावर दुनिया में है नहीं। श्रील बामन जी महाराज के सामने आज से 20-22 साल से भी ज्यादा होगा, वृंदावन से आया श्रील बामन गोसाई महाराज के घर में घुसा नहा धोवा के, और महाराज के साथ बातचीत हो रहा है, अंतिम में हम प्रार्थना की महाराज मैं कृपा करना, मेरे को थोड़ा अपना सहनशीलता बढ़ा देना कृपा करके, ये आपको जरूर देना होगा। महाराज जी हंस पड़े, महाराज जी बोले यही तो असली चीज है, यही तो असली चीज है, हंसते रहे या बोलते रहे, ऐटे ही तो असोल। ऐसा करके मजा उड़ाया। तो सहनशील व्यक्ति का अंदर में जो पावर है वो आदमी को जानकारी नहीं है, जो जितना सहन क्षमता ज्यादा है जरूर उसका अंदर में पावर भी ज्यादा है, सहनशीलता ज्यादा है मतलब पावर ज्यादा है, नहीं तो वो तो त्रिगुण का अंदर में लात खाने वाला आदमी एक थोड़ा सा भी ज्यादा थोड़ा सा भी बात बोल दो फिर यूं चिढ़ जाए, थोड़ा सा भी बोल दो ऐसा करके फिर चिढ़ जाए, हैं आपने ऐसा बोला, चिढ़ जाएगा, ये स्वाभाविक है, दुर्बल है, वीक आदमी है ना, त्रिगुण से मायादेवी का लात खा रहा है, हैं जो चैतन्य चैतन्य बोला है ना, जो ये त्रिगुणेर वशीभूत होकर मायादेवी का लात खा रहा है, और ये लोगों का कंसेप्शन धारणा जो है जो सहनशील ज्यादा है वो ना बामन महाराज इतना सही माने उसका अंदर में क्या पावर है, वो जानते नहीं है कि इतना पावर है, तभी
इतना पावर है तभी इतना सहन करने का क्षमता है। पावर नहीं होने से भजन पर कैसे सहन करे। और आगे चल के 11 स्कंद में भगवान बहुत सारे उपदेश दे रहे हैं सुंदर। अति बादम स्थितिक्षेत ना भवन्नत कहिर्चित। यदि अगर किसी ने उल्टा सीधा आपको बता दिया छोटा बड़ा, गुस्सा नहीं होना, सहन सहन करना। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोला, अरे उद्धव जी को थोड़ी बोले, हमको बोला ना, हमको बोला उद्धव जी को सामने रख के हमको बोला है। अति बादम स्थितिक्षेत ना भवन्ने तो कहिर्चित। बामन जी महाराज एक भक्तों को हम नाम नहीं बताएंगे गोवर्धन में, बामन महाराज एक दिन बोला उसका नाम पुकार के, तुम्हारा तुम्हारे सामने एक भिक्का अच्छे, एक भिक्का दोगे मेरे को? अरे गुरुजी हमारा पास है, हम जरूर देंगे। अरे हम जानता है तुम्हारा पास खूब है, तुम दोगे कि नहीं? अरे हम खूब देंगे, है तो। अरे है तुम्हारा पास, दोगे कि नहीं? अरे हाँ देंगे। तो ठीक है, तुम्हारा जितना सारे क्रोध है ना, जितना सारे क्रोध है हमारा झोली में दे दो। वो हंस पड़ा, जिंदगी भर वो क्रोध नहीं छोड़ा क्रोध नहीं छोड़ा। गुरुवर्गों में समदर्शन नहीं है, क्रोध नहीं छोड़ा, सिर्फ बावन महाराज का बहुत सेवा किया। कैसे हो सकता है? ये तो सोने का पत्थर बाटी है। वो बात कह रहे हैं कि जैसे सोने का पत्थर का बाटी है। अरे सोने का बाटी तो सोने का, पत्थर का तो पत्थर का, सोने का पत्थर का दोनों होता है क्या? कैसे होता है? इतना गुरु सेवा किया, इतना सब लोग मानता है गुरु से। हम बोला जी गुरु सेवा किया है, गुरु को दर्शन किया है क्या? गुरु को दर्शन किया है पहले? अरे सेवा किया है, सेवा तो किया है, लेकिन दर्शन किया कि नहीं? गुरु दर्शन छोड़ के गुरु सेवा कैसे हो सकता? ब्लाइंड का माफी, इसलिए हमको भी गलत समझता है। हम अगर दो चार बातें बोला चिर जाता है, अपने बोला हमारा गुरु जी कभी नहीं बोला। अरे छागल, तेरा गुरु जी मेरा गुरु जी, ये कैसे बात है? बुद्धि खराब है, मेरा गुरु जी ऐसा नहीं बोला। अरे तुम्हारा गुरु जी, गुरु तत्व तो एक है, सदगुरु जो है एक ही बात, तुम्हारा समझने में गलती है, ऐसा बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब हो गया है। बामन महाराज बोला तुम्हारा जितना क्रोध है सो हमको जरूर दे देना, हमको ये संपत्ति चाहिए हमको। और क्रोध जिंदगी भर दे नहीं सका, और कभी चिढ़ जाता है, बस कुछ बोलो तो चिढ़ जाए। ऐसा ही गुरु सेवा हमने किया है, जो सेवा का कोई कीमत ही नहीं मिला, कुछ नहीं। गुरु सेवा मतलब इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, गुरु सेवा मतलब इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु के बाद सब कुछ है। तो भगवान इधर कह रहे हैं कि जो श्लोक देके शुरू किया था, न साधयति माम योगो, योग के द्वारा हम शुद्ध उतना संतुष्ट नहीं होते, न सांख्यम, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य ज्ञान योग धर्म उद्धव, न साध्याय तपस त्यागो, श्रद्धाय अध्याय निरुद्ध्याय, तपस्या करो त्याग करो, इसमें भगवान का कुछ उतना संतुष्ट नहीं हो पाता जितना संतुष्ट हो भक्ति में। भक्ति मतलब भजन, भजन मतलब भगवान का भगवान को संतुष्टि विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा अंतर से। गुरु जी कहते थे भगवान को गुरु विष्णु को अंतर से संतुष्टि विधान का जो व्यवस्था है यही भजन है भक्ति। आदमी जानते नहीं, अगर तमाम दुनिया मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए ऐसा बोल रहा है महाराज, बोल तो रहा है ठीक है, साबित तो नहीं कर सकेगा कि मैं झूठा बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं तो जिसका इच्छा है सुनो, नहीं तो जाओ। मैं तो भगवान गुरु वैष्णव का संतुष्टि विधान के लिए हमारा प्रयास प्रचेष्टा जैसा है ऐसा रहेगा, ऐसा था ऐसा है ऐसा रहेगा, अब मैं चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसा है, काल भी श्लोक का चर्चा भी किया, याद है कि नहीं, जमादि वीरजोग पथई काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यदवत तथा दत्ता न सम्मति। मन का जो सम अवस्था उतना जल्दी हो नहीं पाते जैसे मुकुंद सेवा के द्वारा।
जम नियम प्राणायाम सारे कर लो, योगी क्रिया श्रद्धा अध्याय निरुद्ध है जो कुछ भी कर लो, लेकिन इसके द्वारा मन का सम्मक वशीभूत करने का जो व्यवस्था, मन को बस में लाने का जो व्यवस्था, ये पक्का नहीं माना जाएगा, क्योंकि कभी भी ये टूट सकता है। कितना ब्रह्मचारी देखा है, कितना सन्यासी रे रिजोल्यूशन लिया, प्रतिज्ञा है ऐसा करके चले, अपर टूट गया, क्योंकि गुरु कृपा नहीं है, निष्कपट भाव नहीं है, सारे टूट गया। बस मुकुंद सेवा के द्वारा, मुकुंद सेवा मतलब मुकुंद भक्तों का सेवा, बिना सहारा लेते हुए मुकुंदों का जो भक्त है, मुकुंदों के जो भक्त है, इनके सेवा सहारा लिए बिना, मुकुंद सेवा ये शब्द है तो चलता नहीं, मुकुंद सेवया जदवत आत्मा का सम अवस्था एकदम पीसफुल कंडीशन, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत क्यों है? निष्काम है इसीलिए। और निष्काम कैसे? बोले स्वाभाविक है, जब कृष्ण का रूप दर्शन हो जाए, कृष्ण का कथा कानों में जाए, कृष्ण का प्रसाद हमारा अंदर में जाए, तमाम प्रसाद धाम का, नाम का, भगवान का नाम धाम परिकार सबका, तो अपने आप में खो जाओगे, अपने आप में खो जाओगे, अहंकार बोल के कुछ चीज नहीं रह जाए, बचेगा नहीं, इसीलिए संभव है, इसीलिए संभव है। नहीं तो दुर्जय मन को बस में लाना असंभव है, तो बोल दिया ये संभव है, ठीक भगवान बोला, आपने ठीक बोला, भगवान बोला ये सही बात है, असंग संयम महाबाहो मनो दुर्निर्गाम चलम अभ्यास न तू कुंती वैराग्य न चाहिए। काल इसका चर्चा हुआ था, ये अभ्यास बोलने से भगवान क्या बोलना चाहता है, अभ्यास न, ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास किस चीज का अभ्यास है? अभ्यास तो बहुत किस्म का होता है। पहला बात यह है कि भगवान यह कह रहे हैं कि जो अभ्यासे अभ्यासे नो तू कुंती हो, ये एब्सोल्यूट वर्ड अभ्यास, दूसरे जगह में ये अभ्यास शब्दों प्रयोग हो सकता, लेकिन इधर जो अभ्यास शब्दों का प्रयोग भगवान ने किए हैं, इसका गहरा अर्थ है अभ्यास योग अंडर द गाइडेंस ऑफ सदगुरु, सदगुरु का अनुगत्व में अभ्यास योग करते चलो। ये अभ्यास क्या है? ये आनंदमय अभ्यास, जो काल हम चर्चा किया था, रसो वर्जम रसो पश्य परम दृष्टानवर्त, जब श्रेष्ठ वस्तु का दर्शन हो जाए, आनंदमय वस्तु का दर्शन आनंद मिल जाए, तो स्वाभाविक रूप से नीचा ये जो सामान्य, ये जो सामान्य आनंद है, तुच्छ आनंद, ये तो पानी में बह जाएगा, वो तो रहेगा नहीं। इसलिए अभ्यास है न तू किंतु, तू 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 मतलब है किंतु, किंतु लगाया तू, आपने बोला ठीक है, लेकिन किंतु अभ्यास है न तू किंतु वैराग्य न, आपका जो वैराग्य है स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाएगा। वैराग्य मतलब विषय से जो परेशान है, इस स्वाभाविक रूप से स्वभाव इस ये तब स्वाभाविक हो जाएगा, नॉन नेचुरल हो जाएगा। वैराग्य न, वैराग्य न, ये वैराग्यों का काल व्याख्या किया था, विराग विगत राग विषय तृष्णा का, विषय तृष्णा का एकदम फीका पर जाना, विषय तृष्णा जो वैराग्य है, जो विषय के अलावा मेरा जीना बहुत मुश्किल था, आज भगवान का जो आनंदमय भगवान का दर्शन, भगवान का लीला कथा श्रवण, भगवान का प्रसाद पाना, भक्तों का संग करना, आनंद से उछल पड़े, और पहले जो विषय छोड़ के मेरा जीने का कोई रास्ता ही नहीं था,
आज ये स्वाभाविक हो गया। क्या हमारा भक्त लोग जो है हमारा भजन राज्य में देखो, गंगा माता ठाकुरानी पुटियारी राजकन्या, पुटियारी राजा का कन्या, कितना जायदाद है। नरोत्तम ठाकुर देखो, सनातन देखो, हैं रूप गोस्वामी पर, जीव गोस्वामी पर देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी देखो, सब कहाँ विषय गया, कहाँ विषय कहाँ चला गया, पानी में गया। लेकिन अप्राकृत तो विषय कृष्ण प्रेम ये तो है ही है। विषय पानी में गया मतलब विषय संबंध छोड़ गया और कृष्ण संबंध जोड़ गया, और विगत राग जड़ विषय का राग विगत अतः चला गया, और विराग बोल के विशेष राग भी व्याख्या हो सकता है, अर्थात एक ही माने हैं भगवत चरण में विशेष अनुराग विराग। भगवत चरण में आकर्षण होने का साथ साथ विषय चला जाता, और विषय तमाम जो तमाम विषय के जो आकर्षण ये हट जाने का मतलब है जरूर भगवान में भक्ति हुआ। दोनों एक ही माने हैं, देखने में व्याख्या अलग है। विराग विगत राग विषय तृष्णा चला गया, कब चला जाता है, जब भगवान के आकर्षण होता है, भगवान में विशेष राग हुआ अनुराग हुआ इसलिए विषय चला गया, माने एक ही है। तो ऐसा करके व्याख्या करके कल हम प्रयत्न किया व्याख्या करने का, और आज ये जो 36 नंबर श्लोक चर्चा हो रहा है, और इसमें भगवान कह रहे हैं कि देखो असंयत आत्मा योगो दुष्प्राप्यो इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः उपाय के द्वारा, जतता यत्नशील व्यक्ति कर्तिक अवाप यत्न से अभाव तुम सक्ष पाई तो समर्थ पाने में समर्थ है। भय असंयत आत्मा जिसका कोई कंट्रोलिंग नहीं है अपना कैरेक्टर में, अपना उठान बैठान चलना खाना चिंतन करना कुछ भी करना, इसमें जो अजितेंद्रिय व्यक्ति असंयत व्यक्ति इसका क्रियाक्रम जो है अपवित्र है। मेरा बात समझा नहीं? ये जो असंयत आत्मा जो है, जो जिसका अंदर में सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं है, अपना कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं है, असंयतेंद्रिय, ये जितेंद्रिय नहीं हो पाया, असंयत आत्मेंद्रिय है, माने असंयत आत्मा अवशीकृत चित्त व्यक्ति के ये जो योग हमने बताए, इतना सुंदर व्याख्या किए भगवान कह रहे हैं कि इतना सुंदर हमने व्याख्या किया योगों का, ये दुष्प्राप्य ये लोगों के लिए दुष्प्राप्य, ये कभी नहीं प्राप्त है, ये कभी नहीं प्राप्त की। तो असंयत आत्मा जिसका अंदर इंद्रियां जो है कंट्रोलिंग में नहीं आया, मन वशीभूत नहीं हो पाया, ये मेरा अभिप्राय है, ये मेरा कहने का मतलब है, ये जो असंयत आत्मा जो योगी दुष्प्रपति में मति ही, ये मेरा अभिमत है, अभिप्राय अभिमत है, ये असंयत आत्मा कभी भी असंयत इंद्रिय व्यक्ति कभी भी इसका लिए योग संभव बिल्कुल नहीं, इसका बात छोड़ो, इसका लिए संभव नहीं। लेकिन वश्यात्मना जिसका इंद्रियां सारे वशीकृत हो गया, वश्यात्मना वशीकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा, तू किंतु जतता वो अगर जत्न करे, शक्को अवाप्तुम उपायतः, सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इफ ही इज गोइंग टू फॉलो देन श्योरली कैन कम आउट सक्सेसफुल। वश्यात्मना तू जतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, इसका अवाप्तुम शक्य हो, ये योग का सिद्धि प्राप्ति करना इसका लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हो सकता
असंभव होने से क्यों पागल का मापी आदमी जाएगा, जरूर संभव है, हो सके कि हमारे लिए असंभव है, हम संयुक्त आत्मा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए संयुक्त आत्मा हो सकता है, उसके लिए संभव है, संभव है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, संभव है तभी ना लोग भाग रहे हैं। तो वैश्वात्मना वैश्वात्मना तू यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, उपायतः उपायतः मतलब है अगर जो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजियो हमने बताया, ये अगर अपना जिंदगी में अपनाया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया है, तो इसका लिए कोई बड़ा बात नहीं, असंभव नहीं हो सकता। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर इसका माने कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारा उपदेश ये है कि जो आत्मा और मन को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा संयत करने में चेष्टा ना कर रहे हैं, कभी भी चेष्टा नहीं किया होगा, इसका लिए जो पहले पहले जो हम योग के बारे में बताया है, ये उसके लिए संभव, कर्म योग हो वास्तव जो राजगो योग हो कुछ भी जो, इसका लिए ध्यान योग हो किसके लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसका तो बेचैनी बने रहेगा, इसका तो बेचैनी बने रहेगा, कौन हटाएगा इसका बेचैनी, मरते दम तक बेचैनी, क्या करे। तो भगवान कह रहे हैं कि इसका लिए योग संभव नहीं है, योग कभी भी साध्य नहीं है, ये साधन करने जाए होगा नहीं, कैसे करे। किंतु अगर यथार्थो एज इट इज, जैसे हमने बताया, यथार्थो उपाय अवलंबन पूर्वक मन को प्रत्याहार नियम है, जम नियम प्रत्याह अष्टांग योगों के द्वारा वशीभूत करने के यत्न करे, धीरे 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 प्रयास प्रचेष्टा करे, तो ये जरूर सफल यत्न हो सकता है, ये सफल हो पाएगा। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसू, परसिवरेंस अध्यावसाय जिसको बोलता है, टू ट्राई अगेन एंड अगेन विथ स्ट्रांग बिलीफ। अरे हमने 10 साल भजन किया, अरे भगवान मिल नहीं रहा है, दो तो ये होना नहीं है, होता नहीं, ये फ्रिकल माइंड जो आदमी है इसका लिए भजन नहीं है, है? यहां तक कि हम सोचो कि 30 साल 35 साल है, अगर भजन किया है तो फिर भी अंदर में अगर उत्साह निश्चात दज्जा तत्त करो प्रवर्तनात् रूप गोस्वामी बात का कभी व्याख्या हो पाएगा। आप देखोगे उत्साह बड़ा चीज है, हरि कथा में हरि कथा चर्चा करना, हरि कथा सुनना, हरि कीर्तन करना, सिद्धांतों को नोट करना और उसको आगे बढ़ाना, किसी के सामने जो जानकारी जिसको नहीं है, यही तो प्रणामी है। प्रणामी किसको बोला जाता है, ये तो प्रणामी है, सच्चा संतों का ये प्रणामी है, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, इसको आगे बढ़ाओ और बोलो किसी को। तो ये जो है एग्जैक्टली जो प्रोसीज्योर है, उपाय अवलंबन करने जो जत्न करे, तो उसका लिए असंभव नहीं है, संभव हो सकता। भक्तिविनोद ठाकुर आगे चलकर खूब क्लियरली बता रहे हैं उपाय संबंध में, भक्तिविनोद ठाकुर और डिटेल्स बता रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर तक खुलासा कर रहे हैं उपाय संबंध में। इतना तो बोल सकता हम भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो भगवद अर्पितो निष्काम कर्मयोग के द्वारा एवं तदंगी भूतो दैट रिलेटेड, हमारा ध्यान आदि के द्वारा नियत कंटिन्यूसली हैं, अनटायरिंग एफर्ट्स हैं, ये दो आलसी हो गया, दर्द होगा नहीं है, बहुत नाम कर चुका है, कुछ नहीं हो रहा है, ये लोगों के लिए भजन नहीं है। जिसका अंदर में कंटिन्यूअसली इंस्पिरेशन आ रहा है, जरूर भगवान जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर 100% ऐसा करके निश्चय
भगवान जरूर मिले। अरे कोई अगर बोले महाराज एक जन्म में होता क्या, अरे उल्लू का पट्टा, एक जन्म कौन बोला है, अनंत जन्मों से जीव घूम रहा है, अरे एक जन्म में थोड़ी होता है महाराज, इतना प्रेशर मत डालो। किसका ऊपर प्रेशर डाला हमने, हम तो अपना ऊपर प्रेशर डाला, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल, इच्छा है करो नहीं तो जाओ। लेकिन ये सहजिया प्रोसीजियर नहीं चले, या तो भगवान चाहिए बोलो, नहीं तो जायदाद चाहिए, एक साथ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कैसे हो सकता। भगवान चाहिए ये बोल नहीं सकता कोई आदमी, कोई आदमी ऐसा। तित्त महाराज जी कहते थे किसी का हिम्मत नहीं कि सालगाम छोके कहे कि भगवान चाहिए, कह नहीं सकेगा, क्योंकि भगवान तो चाहिए नहीं, भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए, भगवान से, भगवान ये दो, भगवान वो दो, भगवान ये दो, फलाना दो, ये दो महाराज, भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। ऐसा करके भक्तिवंत ठाकुर कह रहे हैं कि ये उपाय जो बात है इसका खुलासा किया भक्तिवंत ठाकुर। भले उपाय संबंध में मेरा वक्तव्य ये है, कहना ये है कि भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग के द्वारा एंड दैट रिलेटेड, इसका संबंधित जो हमारा ध्यान आदि जो चलते रहता है, नियत चित्त को एकाग्र वन पॉइंटेड बनाने का अभ्यास करो, एवं जुगपत एक ही साथ साइमल्टेनियसली शरीर यात्रा चलाने के लिए, शरीर यात्रा निर्वाह करने के लिए स्वाभाविक नेचुरल वैराग्य वैराग्य का साथ विषयों का ग्रहण करो, भगवान का प्रसाद ये विचार करके। विषय में ज्यादा आकर्षण भी नहीं है, कुछ आकर्षण नहीं है, और विषय विषय का साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। नॉन निर्विन्नो नाति शक्तो, वो बात कहते थे नॉन निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योगो अश्व सिद्धि दो, भक्ति योगो कश्यो, भक्ति योगो कश्यो सिद्धि दो, किसका लिए भक्ति योग सिद्धि दो है, सिद्धि दान करने वाले, भले जिसका अंदर में विषय के लिए घृणा भी नहीं है और आकर्षण भी, चलो दे दिया और दे दिया हाथों में जोर जबरदस्ती दे दिया, वो लेके सेवा में दे दिया, आधा घंटा आधा घंटा भी नहीं, जाने में इतना है, इसका हाथ में पैसा दिया थोड़े जाके कमेटी को ले लो, लो पैसा लो ये सेवा में लगा लो। दुनिया भर का हीरा मोती जितना सारे उस संतों के लिए क्या होता है, ये कुछ नहीं। आकर्षण अगर है तो कैसा संत है, जिसका अंदर में कामिनी कामचन कांचन प्रतिष्ठा किसी चीज का लिए कोई आकर्षण अगर है तो वो कैसे साधु बन सकता है, ये समझाओ मेरे को। आजकल यही चल रहा है, मारे ये भी चलेगा, अरे ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, सब चलेगा, अरे महाराज चलता है, अरे ठीक है चलाओ चलाओ। लेकिन हमने तो सुना गुरुजी से, हमने सुना गुरुजी से, गुरुवर्ग से ये बात हमने सुना है, जो पौपाद भक्तिविनोद ठाकुर का कृपा के अलावा की कृपा छोड़कर गौड़ीय मठ चलाना संभव नहीं है, चाहे जितना भी तुम्हारा कितना पैसा लेके इकट्ठा कर दिया, करोड़ों करोड़ों रुपया फॉरेन जाके, कुछ भी होता नहीं, जितना भी किया हो, लेकिन ऐसे आप चला नहीं सकोगे, क्योंकि आपका कंट्रोलिंग नहीं है। आप आचार्य बन के बैठे हो, अपना ऊपर अपना कंट्रोलिंग नहीं है, यू हैव नो कंट्रोलिंग ओवर योर सेल्फ, कैसे आप बनाओगे। हमने दो टॉपिक रखा बंगाली में, आगे चल के चर्चा हो पाएगा। बौद्ध जीवेर कृष्ण भजन एक टॉपिक है, बौद्ध जीवों का कृष्ण भजन कैसा है, इसका बारे में लंबा चौड़ा चर्चा हो पाएगा। और बौद्ध जीव जब आचार्य का भूमिका में उतारे, ये अलग सा टॉपिक है, ये सुनने से हैरान हो जाओगे, सचमुच बात मेरा बौद्ध जीवों का कृष्ण भजन हंसी का बात है, एक मजे का बात है बद्ध जी कृष्ण भजन।
वो मिनिमम चीज समझने के लिए तैयार नहीं है, अपना अभिमान पूरा एकदम बना के बैठा हुआ है, क्या करे कृष्ण भजन। तो भक्तिमय ठाकुर जी ने कहे कि जुगपद इसका साथ साथ अपना शरीर यात्रा, अपना शरीर यात्रा चलाते हुए वैराग्य का साथ विषय का गोहन करो, प्रसाद बुद्धि लेके चलो, कोई बात नहीं। आज परमाणु दे दिया तो चलो ठीक है, हम तो परमाणु नहीं पाते, ठीक है चलो दो। ऐसा गौर किशोर बाबा जी महाराज का वैराग्य अशिला सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर वैराग्य एक जैसा है, लेकिन उल्लू का पट्टा आदमी लोग जो जानता नहीं वो गाली दे, वो जानते नहीं उल्टा बोलते। अरे गौर किशोर बाबा जी महाराज का वैराग्य कितना ऊंचा है, भक्तिमय ठाकुर का वैराग्य उतना नहीं है, लेकिन चलो वो जानता ही नहीं। दोनों का वैराग्य एक है, देखने में अलग है। भक्तिमय ठाकुर बैठा है ना, भक्तिमय ठाकुर बैठा है अपना भजन कुटीर में, और बाबा जी महाराज बैठा है गंगा के किनारे में, देखने में अलग है। भक्तिमय ठाकुर कुर्सी में बैठा हुआ है, वो जमीन में बैठा हुआ है। भक्तिमय ठाकुर टेबल चेयर में थोड़ा लिख रहा है, बाबा तो माला फेर रहा है गौर किशोर बाबा। दोनों में देखने में अंतर है, लेकिन अंतर का निष्ठा, अंतर का भक्ति भाव, वैराग्य एक जैसा है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। प्रभात कहते थे हमारा गुरुजी परमहंस श्रेष्ठ श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज जी का जिंदगी में शिल रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वैराग्य का पूर्ण प्रतिफलन देखा गया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अंदर में जो वैराग्य का प्रवाह है, एग्जैक्टली वो प्रवाह हमारा गुरुजी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का अंदर दिखा गया, जो कि ये दुनिया में असंभव है, विशेष करके आज का दुनिया में इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। असंभव का बाद अगर कोई शब्द है तो ठीक है, कोई अगर आजकल के जमाने में महाराज हमारा संग त्यागी बनना चाहे, महाराज सन्या नहीं, अगर कोई मैं महाराज हम सन्यासी बनेंगे महाराज, ना बिल्कुल नहीं, चुपचाप जा, चुपचाप बैठ जा, जाएगा भजन कर, दो दिन में एकदम हो जाएगा खटिया खरा, हैं बड़ा भारी आया वैराग्य दिखाने वाला, चुपचाप बैठो जाके भजन कर, हरि कथा सुनो और आचरण करो, हैं अंतर में सन्यास लाओ, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो फर्क नहीं पड़ता। हमने बताया था गीता चर्चा में, याद नहीं है क्या, हैं जिसका अंदर में वैराग्य है स्वाभाविक, जिसका अंदर में किसी के लिए देश भाव नहीं है वो स्वाभाविक, उसका सन्यास व्रत जो है ये पक्का है। गेहूं सो नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षती, जिसका अंदर में कोई आकांक्षा है बोल के कोई चीज है ही नहीं। गेहूं सो नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षती, क्या गंगा माता ठाकुरानी का अंदर में सन्यास का कोई कमी है क्या, दिखा सकोगे प्रमाण करो, इतना वैराग्य है किसी सन्यासी का अंदर में आजकल का जमा है कुछ किसी का अंदर, हैरान हो गया। गंगा माता ठाकुरानी का अंदर स्वाभाविक सन्यास है, श्री विष्णु विहार देवी का अंदर में स्वाभाविक सन्यास है। सन्यास मीन टोटल डेडिकेशन फॉर द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, अपना जीवन जिंदगी रुपया पैसा विद्या जो कुछ भी है जीवन जौवन सब निछावर कर दो, वैराग्य हो। संन्यास बाहर में लाल कपड़ा लिया दंड लिया और अंदर में व्यभिचार किया तो माया देवी तो चप्पल का प्रहार करे मुंह पे, वो भी जहां पान है मुंह पे परे, मुंह पे मरेगा चप्पल का प्रहार, या कहां का आया चीटर।
तुम्हां तमाम समाज भ्रष्ट हो रहा है। शूद्राचार कोई भी जाओ, मिनिमम एटिकेसी भी याद नहीं है। कैसे शुद्ध तो पालन करने, खाने पीने में, उठने बैठने में, कुछ कुछ पता नहीं, कोई सिखा देगा। भक्ति पूर्ण तुर्गेशी महाराज चला गया है, श्रीधर गोस्वामी महाराज चला गया, केशव गोस्वामी महाराज चला गया, बामन गोस्वामी महाराज सब चला गया। अब कौन सिखा देगा, कौन सिखा देने वाला है, सब हिंसा करने वाला। अरे हमको प्रणामी डाल मेरा झोली पे, बस जा, हो गया छुट्टी मंगल। कोई सिखाने वाला नहीं है, मिनिमम एटिकेसी। आप चलो, हमारा सब चलो, हम दूर से दिखाएंगे, देखो देखो क्या कर रहा है। ब्रह्मचारी का शरीर में माता जी हाथ दे रहे, बात कर रहे हैं, हमने दिखाया। हम हरिकथा का स्टेज में बैठा हुआ है, उधर से देखा, देखो 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 क्या कर रहा है। ये मजा हुआ, नेकेड सोसाइटी हो गया हमारा भी, वैदिक सोसाइटी नहीं रहा, यूरो सोसाइटी बन गया। और यूरोपियन लोग सुबह के चेष्टा कर रहा है कि कैसे साधु बने उल्टा हो गया। मिनिमम आचरण, उच्चिष्ट का ज्ञान नहीं है, बैठना उठना कैसे आचरण कुछ नहीं है। शूद्राचार चारों ओर, एक जगह नहीं है, चारों ओर शूद्राचार। महाप्रभु जी ने दिखाया, यही शूद्राचार दिखाया ना महाप्रभु जी ने, हैं? तभी हम सीख रहे हैं। कहां तक बोले तो भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं कि ये शरीर यात्रा चलाते चलाने समय वैराग्य का साथ, प्रसाद का बुद्धि से वैराग्य का साथ विषय ग्रहण करना, मतलब विषय में आकर्षण भी नहीं होनी चाहिए और विषय का घृणा भी होनी चाहिए। एक दफे 84 कोस करते करते हम फलन गांव पहुंच गया। फलन गांव, फलन गांव है वो आपका, वो जो कोसी कला से जाना पड़ता है आगे, बहुत आगे आगे चलकर जो शेरगढ़ आए उसका पहले, खेलन बंद शेरगढ़ आने का पहले आधा रास्ता। फलन गांव में गया, एक मंदिर में गया, अरे अच्छा खासा मंदिर है निम्बार्क का, वो अच्छा लगा। और एक बाबा तो एकदम बूढ़ा बाबा, इतना प्यार किया, महाराज आए हो कृपा करके। हम बोले ये कभी तो देखा नहीं इतना आदर, क्या बात है। अरे दो चार दस घंटा रहा, बोले बाबा बड़ा प्यारा है, अपना कुर्सी छोड़ दिया, बाबा इधर बैठो। हम नहीं नहीं हमारा गंदा कपड़ा है। अरे नहीं साधु कोई गंदा होता है क्या, बैठो। अपना बिस्तारा छोड़ दिया अंदर में जाके, इधर सो जो। ना 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 इधर हम नहीं सोएंगे, हम बाहर बरंदा में सो जाएंगे। आने का टाइम में प्रणामी दे दिए। हम बोले महाराज प्रणामी दे रहे हैं तो हम तो 84 कर रहे हैं नहीं। महाराज देखो ये होनी चाहिए, बस लोभ नहीं होनी चाहिए। ऐसे साधु बोल रहे हैं बूढ़ा बाबा, महाराज ये नियम तो होनी चाहिए जरूर, संत महात्मा का आदर होनी चाहिए, लेकिन ये लोभ नहीं होनी चाहिए, बस ये बात है। हमने अच्छा लगा बहुत, बूढ़ा बाबा अब जिंदा है कि नहीं पता नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यो इति मे मति ही, ये मेरा अभिमत है कि असंयत आत्मा व्यक्ति के लिए योग संभव ही नहीं बिल्कुल। किंतु वश्वात्मना तू जतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, अगर सही ढंग से उपाय का पालन करे, यानी वे आउट प्रोसीज्योर, तो आगे चल के जरूर ये सक्सेस दिला सकता है। इट कैन गिव सक्सेस, नॉट दैट। अगर हमारा अंदर में विश्वास ही नहीं है, अरे भजन करके क्या होगा, ठाकुर जी जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा। तो कोई साधु को बोलने सुना, अरे महाराज 35 साल 36 साल गंवाया, कुछ नहीं मिला, कुछ कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। वो बोल रहा है, बोले गौड़िया मठ में मेरा जिंदगी क्वाइल हो गया, स्पॉइल नहीं क्वाइल हो गया। हम हाँ 2-10 ऐसा अगर गौड़िया मठ का भक्त आ गया तो गौड़िया मठ का एकदम हो जाएगा, चारों ओर से सुनाम फैलेगा। चल चल मठ में रहना, चल 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 मठ में खाना, अरे तू पूजा कर ले,
अरे हिम्मत है तो वो बद्ध जीव को संस्कार करो। तुम्हारा अंदर में अगर हिम्मत है, तुम्हारा अपना संस्कार को चेंज करो, उसका बाद जिसको आश्रय दे ले उसको चेंज करो, फिर उसको सेवा सिखाओ, उसका बाद उसको घुसाओ मंदिर में। शूद्राचार फैल रहा है चारों ओर, बोलने का कुछ नहीं है, बोलो तो गुस्सा है, हैं। अर्जुन अभी कह रहे हैं कि अर्जुन का कहना है, भगवान का दो बातें सुन लिया, उसका बाद अर्जुन का कहना है कि अजति ही श्रद्धयो पेतो योगा चलित मानस अप्राप्यो योग संसिद्धि का गतिम कृष्णो गच्छति। अयति ही, अयति माने ज्योति, मतलब ज्योति शब्द का मतलब है जो यत्नशील है। किस चीज में यत्नशील? भगवत भजन में। किस चीज में यत्नशील? अपना आचरण आचार आचरण को रेक्टिफाई करने में। काय मन और वाक्य, ये तीनों को दंड दिया, पनिशमेंट दिया, त्रिदंड ज्योति। ज्योति मतलब यत्नशील जो है, और ये अजति मतलब जिसका अंदर में यत्न नहीं है, सीधा माने एकदम सीधा। ज्योति मतलब जिसका अंदर में यत्न है भगवत भजन में, आचरण में, परफेक्शन करने के लिए। अरे महाराज हमारा गलती, ठीक है कल हम शोधन कर लेंगे। साधु तो वह है, वो कभी गुस्सा नहीं होता। कोई अगर हिंसा भी करके कहे महाराज आपका अंदर में ये आचरण नहीं, अरे महाराज आपने दिखा दिया, बड़ा मेहरबानी की आपने, तो कल से हम आज ही से हम कोशिश करेंगे। साधु कभी गुस्सा नहीं होता, चाहे हिंसा करके बोल दो फिर भी वो गुस्सा नहीं होगा। क्यों जानते हैं सचमुच हमारा आचरण कहाँ है? कुछ नहीं है। लेकिन जब हरि कथा बोलने बैठे प्रभुपाद, वो तो बोलेगा ही। हरि कथा बोलने जब बैठे तो वो तो बोलेगा, क्योंकि ये गुरु का काम है। इसमें चुकलीबाजी करे तो हो गया छुट्टी। अगर इस ये जो खुल्ला खुल्ला बोला तो इसका अंदर में त्रिनाद भी नहीं है, तो ठीक है आपका ये इच्छा है तो आप ये रिमार्क पास कर सको। प्रभुपाद का अंदर में तिनाद भी नहीं है, आपका अंदर में तिनाद भी जरूर है। केशव गोस्वामी महाराज का अंदर में तिनाद भी नहीं है, संत गोस्वामी महाराज के तिनाद, आपका अंदर में तिनाद भी, ये ठीक है आप मान लिया चलो, लेकिन प्रमाण करो, प्रमाण करके दिखाओ। हम तो प्रमाण करेंगे गुरु वर्ग का अंदर में तिनाद भी है, तब तो हम उठेंगे। अपना अंदर में तिनाद भी है, प्रमाण करो। प्रमाण कर नहीं सकोगे ना, तिनाद भी उतना ईजी नहीं है, हैं, बोल दिया। तो कहने का मतलब है जो हरिकथा का टाइम में एकदम पक्का आचरण में प्रतिष्ठित होके ही बोलना है। आचरण में अगर कमी है तो हरिकथा बोलना ही नहीं है। प्रैक्टिस करो, जो अभ्यास का जो हरिकथा है वो करो, अपना जो साधन भजन के लिए जो हरिकथा कीर्तन वो करो, लेकिन प्रचार में जाने का मतलब है आप किसी को संशोधन करने के चक्कर में है। अपना सामने प्रचार हुआ कि नहीं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम जो प्रचार में जा रहे हो, तुम्हारा सामने अपना सामने अपना प्रचार हुआ? ट्राई टू प्रीच इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, अपना सामने प्रचार करो। मेरा बात समझ में आई? बात समझ में? अपना सामने पहले प्रचार करो। अपना सामने अगर प्रचार हो गया काफी तो उसका बात जाओ। अपना सामने प्रचार मतलब अपना आचरण, अपना जो कथा, इसमें सिमिट्री है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, ये देखो। अपना सामने सुनाओ हरि कथा, अपने आप को सुनाते रहो, उसका बाद सफिशियंट हो गया। अब ओवर सैंग्विन हो गया, ठीक है हजम हुआ, चलो ठीक है। श्रील प्रभुपाद हरि कथा बोलते थे और साहूजी आलोक बोलते थे, अरे महाराज आप हमारा बात मत बोलो, अब अपना हिसाब से बात, आप अपना हिसाब से हरि कथा बोलो। अरे हमारा बात क्यों उठा रहे हैं, अब अपना बात बोलो। ये साहूजिया का बात है, लेकिन नित्यानंद तो ऐसा नहीं बोला।
नित्यानंद पाषंड दलन, नित्यानंद का नाम है नित्यानंद बाबू का पाषंड दलन, जितना सारे पाषंड है, सहजिया है, अहंकारी है, मक्कार है, सबका मस्तक चूर्ण विचूर्ण करके नित्यानंद बलराम चल रहे है अनंत देव। ये तो धोखाबाजी नहीं चलेगा, धोखाबाजी कहाँ तक चले। हम त्रिनाथ महाराज दंडवा देखो इतने कितना साधु सुंदर है, किसी का बात उठाता नहीं, अपना हिसाब से हरिकथा, वो सुंदर सुंदर हरिकथा बोल रहे। अरे तुम जो पेशेंट हो, तुम्हारा मेडिसिन सही नहीं जा रहा है, ये तुम समझ में नहीं आ। गौर किशोर बाबा जी महाराज रानी चरा में एक हरिकथा में चुपचाप बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के, और इसी हरिकथा में प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं। बार बार बोलते बोलते ठीक है चलो हम जाएंगे आज शाम को हरिकथा। रानी चरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी हरिकथा बच रहे, और हरिकथा बोलते बोलते अपना गुरु जी का बात उठाया। अरे उसका वैराग्य देखो क्या है, भगवान भी चौंक जाते। जब ही गौर किशोर बाबा जी महाराज का बात उठाया तो देखा एक साधु का ओर नजर पड़ा पोपति। अरे ये तो हमारा गुरुजी है, हमारा गुरुजी बैठा हुआ है सामने। हरि राम 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 राम, गुरुजी हरिकथा सुन रहा है शिष्य का, वो भी आम आदमी के साथ बैठ के नीचे कंबल ओढ़ के हरि राम राम। भगवान तो चौंक गया एकदम, तो गौर किशोर बाबा उठ के चल गया। जब ही अपना प्रशंसा शुरू किया, मैंने गुरुजी का प्रशंसा जब शुरू किया, गौर किशोर बाबा जी का अपना प्रशंसा शुरू किया, हमारा गुरुजी विमला प्रसाद, हमारा गुरु विमला प्रसाद हमारा प्रशंसा शुरू किया, तो उठ के चल दी। पोपाद हैरान हो गया, अरे हमारा गुरुपाद पद्म परमंश श्रेष्ठ गौर किशोर बाबा जी महाराज ये आम आदमी का साथ बैठ के कम्बल ओढ़ के हरिकथा सुन रहे। देखो क्या त्रिनाद, अहंकार का दृष्टि जब तक रहे किसका अंदर में त्रिनाद भी है किसका अंदर में नहीं है आप कैसे देखोगे। क्या एक बद्धजीव दूसरा एक बद्धजीव क्या गुरु वैष्णव का क्वालिटी क्या है वो विचार करने लग जाएगा, कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, क्या ये विचार जो है हम किसी एक बद्धजीव का हाथ में छोड़ देंगे, ऐसा अकलमंदी है, हम विचार नहीं करेंगे शास्त्रों के अनुसार। अर्जुन का अभी कहना है, ठाकुर जी को अर्जुन कह रहे हैं कि अयति ही अयति ही श्रद्धयो पेतो योगा चलित मानस अप्राप्पो योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। ये बताओ अर्जुन कह रहे हैं कि ठाकुर जी जिसका अंदर में पहले श्रद्धा बोध लगाया था लेकिन बाद में अजति शिथिल उसका जो रिजिडिटी जो है वो नहीं रहा, वो अलसी हो गया, उसका जो पहले जो श्रद्धा लगा के शुरू किया था बाद में उसका अंदर में ढीला पड़ गया, अयति योगा जोग से थोड़ा डिविएटेड हो गया, योगा चलित मानस चित्त भ्रष्ट हो गया, और योग संसिद्धिम अप्राप्तो वो तो योग सिद्धि अगर नहीं मिला हो, योग संसिद्धिम अप्राप्तो वो अगर योग सिद्धि नहीं प्राप्त किया है क्योंकि उसका ढीला पड़ गया भजन, तो महाराज इसका क्या गति हो सकता है। कांग गतिं गच्छति अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्पो योगो संसिद्धिम कांग कांग गतिं कृष्णो गच्छति। कौन सी गति को प्राप्त करे ये थोड़ा बताओ, ऐसा करके प्रश्न उठाया।
जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देंगे आगे। कोई प्रश्न है, दो चार प्रश्न है, पहले ये चल रहा है प्रश्नों का बारी चल रहा है अर्जुन का। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हैं कि सम्यक परफेक्ट यत्न माने क्या, बहुत केयरफुली यत्न सहकार अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो सिद्धि होता है, ये तो पहले भी आप कह चुके हैं, ये तो दोबारा ठीक है चलो। किंतु मेरा ये एक संशय है कि अगर कोई पहले थोड़ा श्रद्धा लगा के शुरू किया हैं, योग उपदेश का प्रति निष्ठा रख के शुरू किया, थोड़ा बहुत श्रद्धा कियत परिमाने आरूढ़, थोड़ा बहुत आगे भी चला, थोड़ा बहुत आगे भी चल चुका, लेकिन वो ज्योति हो नहीं पा सका, टोटली अपने को कंट्रोलिंग में ला नहीं पाया, इतने में उसका थोड़ा ढीला पड़ गया भजन, थोड़ा सा भजन करके वो थोड़ा हल्का हो गया। आप ये तो इसका भी तो सिद्धि नहीं मिला। ये सब व्यक्ति जो है मन अभ्यास वैराग्य का अभाव, विषय प्रवण फिर हो गया, विषय का और आकर्षण हो गया, फिर जोगाचरित मानसा और जोग से भ्रष्ट हो गया थोड़ा। ये लोगों के लिए कांग थीम है, इसका लिए कृष्ण कांग थीम कृष्ण गच्छति, इसका क्या गति होता है, ये मेरा प्रश्न है, भगवान कह रहे हैं। चलो ठीक है, अभी उत्तर ये है, उत्तर तो आगे चल के मिलेगा ही। अर्जुन का प्रश्न बहुत सुंदर है, ये जो अष्टांग योग सिद्धि शिरस्क ज्ञान गर्भ निष्काम कर्म योग निखिल उपसर्ग को विनाश करने वाले, शिव एवं परमात्मा का अवलोकन कराने वाले जो उपाय आपने बहुत बार कहा, निष्काम कर्मयोग आदि, ध्यान योग सब, राजगो अष्टांग योग सब, एवं इद्रिशो निष्काम कर्मयोग उपक्रम थोड़ा बहुत शुरू किया। आपने ये भी कह चुके हैं कि जो थोड़ा ही और प्रारंभ किया उसका विनाश नहीं, आपने ये कह दिया। ये अच्छा सत्कर्म का थोड़ा बहुत अनुष्ठान भी करे तो इसका विनाश नहीं है, भगवान आप कह चुके हो। अभी हमारा ये प्रश्न है, वैराग्य के द्वारा जब ज्योति हो जाता है तो सिद्धिला तो जरूर कर पाता, यदि अगर ऐसा हुआ तो पहले योग शास्त्र का निरूपम श्रद्धालु बन के थोड़ा वो चेष्टा प्रयास प्रचेष्टा किया और अजति अल्प अनुष्ठान के बाद थोड़ा बहुत ढीला पड़ गया, मन फिर से विषय का ओर मोड़ गया, और चित्त का जो बिल्कुल शुद्धि है और आत्मशुद्धि सब बाकी रह गया, पूरा हो नहीं पाया। इसी अवस्था जब अगर किसी का हो, किसी योगी का अगर सॉरी छूट गया, आपने ये भी कहा ना, जंग जंग बा ओपी शरणम भावम त्यजति अंत कलेवरम है, ये बोला तो ये अगर सॉरी छोड़ गया तो क्या गति होगा। अर्जुन का प्रश्न अभी समाप्त तो नहीं भाई, अर्जुन आगे चल के कह रहे हैं कि कश्चिन्न उभयो विभ्रष्टोस अश्चिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुड़ो ब्रह्मणो पथि। कश्चिन्न उभयो विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुड़ो ब्रह्मणो पथि। हे महाबाहो,
हे महावीर, उभय विभ्रष्ट मतलब कर्मो भी कर्मो ओ जोग मार्ग से भ्रष्ट हो गया। ब्रह्मणपति मतलब ब्रह्म प्राप्ति का रास्ते पे ब्रह्मण, ये षष्ठी विभक्ति है, सिक्स केस एंडिंग है। ब्रह्म प्राप्तिर पथे संस्कृत में होता है ब्रह्मण पथि, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का रास्ते में अगर कर्मों से और योग से पूरा भ्रष्ट हो गया, विमूढ़ो मतलब विक्षिप्त हो गया, अप्रतिष्ठो साधन रूप आश्रय विहीन हो गया, छिन्न अभ्रम एव अभ्र मतलब मेघ, अभ्रम एक 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 बड़ा मेघ का एक तो मेघ का एक सॉलिड एक तो मेघ आ रहा है, मेघ मेघ मतलब बादल आ रहा है बड़ा भारी, उसमें से एक टुकड़ा एक बादल जो है टुकड़ा होके अलग हो गया, तो ऐसा माने कर रहा है कि छिन्न अभ्रमिवो विच्छिन्न मेघ अर्थात बादल का नए मापिक न नश्यति कश्चित, ये नाश प्राप्त हो जाता कि नहीं, ये नाश प्राप्त होता कि नहीं होता, ये मेरा प्रश्न है। भक्तिमन ठाकुर जी ने कह रहे हैं कि सकाम कर्मोत्याग व्यतीत, सकाम कर्मोत्याग छोड़कर जोगो चेष्टा होता ही नहीं, सकाम कर्म मूर्ख व्यक्ति मूढ़ो अज्ञान व्यक्ति का पक्के शुभ है, क्योंकि उसमें लगे रहे तो आगे चलकर शुभ हो सकता। सकाम कर्मोत्याग छोड़कर सकाम कर्मों का प्रसंग छोड़कर जोगो चेष्टा होता ही नहीं, लेकिन सकाम कर्म जो है ये मूर्ख व्यक्ति के लिए फायदादायक है, क्योंकि आगे चलकर उसका मंगल हो सकता है, अगर वो छोड़ दे तो होगा नहीं, मूढ़ लोक का पक्के शुभ है, क्योंकि इसके द्वारा इसी जगत में सुख पुण्य के द्वारा परलोक में स्वर्ग प्राप्ति ये सब का चक्कर है। जोग में आरूढ़ जो जीव यही सकाम कर्मों इसका अगर भग जाए जिंदगी से तो ठीक है, जीवों का वही सकाम कर्मों दुर्भूतो होने से, किंतु पूर्वोक्त कारण प्रयुक्तो अगर इसका सिद्धि नहीं हो पाया ताकि क्या ये टुकड़ा एक बादल का मापिक पूरा भ्रष्ट हो जाता क्या, छिन्न भ्रमीव ये नष्ट हो जाता क्या, विनाश प्राप्त होता है क्या, क्या बात है, थोड़ा ये बताओ, संशय आ रहा है मेरा अंदर में, प्रश्नों का आशय विशद रूप से कह रहा है कि बलदेव विद्याभूषण जी कश्चित इति ये प्रश्न निष्काम रूप से कर्मानुष्ठान से, निष्काम रूप में कर्म का अनुष्ठान से स्वर्गादि फल लाभ, निष्काम रूपे कर्मानुष्ठान से स्वर्गादि फल लाभ हो अगर नहीं हुआ, जोगेर असिद्धि ते आत्मा का अवलोकन भी हुआ नहीं, आत्मा अनुभव भी नहीं हुआ, ऐसा उभय स्थान में समझा दोनों ओर से मैं वंचित हो गया, ऐसा कि निरलंबन बेसहारा बेसलेस हो गया है, ये अगर ये छिन्न मेक माभिक भ्रष्ट होता है कि विनाश प्राप्त होता है, ये खुला खुला बताओ, ये हमको तो इस बारे में थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है, भगवान कह रहे हैं, भगवान यहां अर्जुन को महाभाव बोला था, भगवान के
भगवान अर्जुन को महाभाव बोला, महावीर महाभाव बहुत बहुत बार कह चुका। अब यहाँ जो है अर्जुन उल्टा भगवान को महाभाव बोल रहे, भगवान अर्जुन को महाभाव महाभाव बोल रहे, और भगवान को अर्जुन अभी महाभाव संबोधन किया। महाराज इसका तात्पर्य क्या है? मधुसूदन सरस्वती बात कह रहे हैं कि सारे भक्तगणों का सकल उपद्रव निवारण में समर्थ हो एवं पुरुषार्थ चतुष्टय दानों में जो चारी हाथ पकड़ के भगवान नारायण बैठा हुआ है, और जो भगवान इतना सहनशीलता है भगवान का अंदर में, अर्जुन इतना उठपटांग प्रश्न कर रहे हैं और भगवान फुल पेशेंसी के द्वारा इसका समाधान बता रहे हैं, और हैरान करने वाले प्रश्न सुनने के बाद भी भगवान का क्रोध का तो दूर की बात है, क्रोध तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो भगवान ये उत्तर दे रहा है इसमें तो इतना सहनशीलता, ये दिखने वाला बात है, इसीलिए महाभाव बताया। समझा? महाभाव क्या दो दस आदमी को काट के फेंक देने से महाभाव होता है क्या? भगवान का चार हाथ है, पड़ा भाई प्रदो भगवान कितना सहनशीलता है जीवों को शिक्षा देने के लिए, का कुछ नहीं कर रहे, सब कर रहे, गुस्सा भी नहीं है भगवान का, बिल्कुल हंसते रहते हैं। भगवान का कहाँ क्रोध है? ये तो निसिंग रूप में मजाक किया, ये भी कोई क्रोध है क्या? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपका जो क्रोध है ना, हम डरते नहीं है। अरे पूरा दुनिया डर रहा है, तुम नहीं, मैंने हम डरते नहीं ना, हम विभेमिते अति भयानकस्सो, है ना, ये आपका जो भयंकर रूप है निसिंग रूप, हम डरते नहीं हैं, ना हम विभेमिते अति भयानकस्सो, है ये जो आपका जो रूप, जो भयंकर रूप है, ये हम डरते नहीं, हम संसार को डरते हैं। ठाकुर जी आपका ये निसिंग रूप है, इसमें मेरा डर नहीं है, डर कहाँ है? बोले ये संसार में डर है, ये संसार को देखते, भयंकर संसार, संसार भयंकर संसार को देख के मेरा डर लग रहा है, आदमी कैसे निडर होके चल रहा है, कभी खो रहा है ना, पिता को माता को भाई बंधु को सारे चले जा रहे हैं। ना हम विभेमिते अति भयानकस्य जिह्वार कनेत्र भुकुटीर अवसो गुरुदंष्टात्, या भगवान आपका यह भयंकर रूप, इसको हम डरते नहीं। ना हम संसार चक्र कदनाद ग्रसताम परिणीतम, हम परेशान हैं ये सब देख के, संसारी आदमी कैसे संसार कर रहे, हाय हाय हाय, अभी पिता जा रहा है, अभी माता जा रहा है, ये भाई जा रहा है, बंधु जा रहा है, सब मरते जा रहे हैं, और निडर होके संसार कर रहा, मजा लूट रहे, अरे कैसे लोग हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी को प्रश्न किया था ना, जमरूपी धर्मराज हैं, ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर महाराज जी बड़ा विचारशील है, जो युद्ध का सामने में भी ठंडा दिमाग से बातें करते रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज घबराते नहीं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं महाराज ये जो दिन भर आदमी जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा करके जो आदमी जा रहा है और बाकी आदमी खेल रहे हैं, ताश खेल रहे, ताश जानते हो, ताश जानते हो हैं, ताश खेल रहे, अरे महाराज उसका कोई आइडिया ही नहीं है जी, अभी अभी हम मर सकता है, वो मजा करके, अरे विनय बाबू का पिताजी मर गया, देख 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 जा रहा है, राम नाम सत्य, अरे तेरा बाप भी जाएगा, तू भी जाएगा, कोई है अकलमंदी, कुछ बुद्धि नहीं है।
युधिष्ठिर महाराज बोला इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्तियो जमालयम शेषम स्थावरम इच्छामि किमश्चर्य मत परम। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्तियो जमालयम। दिन रात आदमी जमालय जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, फिर भी बाकी आदमी शेषम स्थावरम वो रहता हम नहीं मरेंगे, हम रहेंगे है? हम मरेंगे नहीं, हम तो रहेंगे, हम मजा लूटेंगे, ठीक है लूटो। अहन्यान्य भूतानि गच्छन्ति हो जमालयम शेषाम स्थावरम इच्छामि किमश्चर्यमते परमम। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है, ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक है चलो कोई बात। भगवान उतना फूल सहनशीलता सहनशीलता का साथ जीवों को बचाने का प्रयास प्रचेष्टा कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। अभी अर्जुन का प्रश्न चल रहा है, प्रश्नों का बारी चल रहा है, और बाद में 39 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि एतत् मे संशयम् कृष्णो छेत्तुम अर्हसि अशेषतः स्तद अन्यः संशयस्य छेत्त्वा न हि उपपद्यते। ये जो मेरा संशय पैदा हुआ है, एतत् मे संशयम् कृष्णो छेत्तुम अर्हसि अशेषतः तद अन्नः संशयस्य छेत्त्वा न हि उपपद्यते। मतलब ये है ये कृष्णो हमारा जो जो संशय उत्पन्न हुआ है, एतत् संशय ये जो संशय अशेष रूप में, मतलब जड़ से अशेष रूप में माने जड़ से, ये संशय का काटने वाला छेत्तुम छेदन करने वाला अर्हसि तुम ही हो। यू आर द फिटेस्ट पर्सन इन द होल इन्फिनिट यूनिवर्स हु कैन काट माई डाउट्स एंड सस्पिशन वेरी केयरफुली। तद अन्न तुम छोड़कर दूसरा कोई अगर है तो उतना समाधान कौन करेगा। तुम छोड़कर अश्य संशय ये हमारा संशय का जो छेदन है उत्तर है ये कौन दे सकता है। अश्व संशय छेत्वा छेदनकारी न ही उपपद्यते निश्चित रूप में ये अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सके। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कह रहे हैं इसका तात्पर्य जो कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, ये अर्जुन का कहना है जितना तारे समान शास्त्रोकार है, शास्त्रोकार तो है ही है, वेदों का रचना के ऋषि मुनियों ने किया है और बहुत सारे शास्त्रकार हैं वो सब शास्त्र लिखे हैं, लेकिन भक्तों को कह रहे हैं कि तात्पर्य ये है अर्जुन का, आप ठीक है वो लोग तो शास्त्र जानता है लेकिन हर शास्त्रकार का जो विचार है ये तो आप तो अंतिम गोल है, आप जो है ईश्वर परम सच्चिदानंद अनादिर आदि गोविंदो है, आपका आगे तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे समाधान कर सकते हो शास्त्रकारों का हो सके को बहुत शास्त्र विचार है लेकिन आपका मापिक समाधान कौन कर सकता है। जैसे इतना साधु का जमात 88,000 साधु का जमात है, हैं सुखदेव गोस्वामी जी हरिकथा करने के लिए आए, देखो इतना साधु का जमात है, जिंदगी में इतना साधु एक जगह आया ही नहीं, जिंदगी में आया इतना साधु 88,000 साधु एक साथ और नाइम इस क्षेत्र में 60,000 साधु, इतना साधु इकट्ठा मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर भी जब सुखदेव गोस्वामी जी आए
नंदनंदम सुकस्तु भगवान स्वयं, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण ही हैं, ये किसको जानकारी है? नहीं है। नंदनंदन सुकस्तु कृष्ण स्वयं, और भागवत शास्त्र जो प्रवचन हो रहा है वो कौन कह रहे हैं कि बोले भागवत जो है ये तो स्वयं कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण एव ही। तो कृष्णो कृष्णो प्रवचन करना है कृष्णों का बारे में, स्वयं कृष्णो प्रवचन कर रहे हैं कृष्णों का बारे में, कृष्ण कथा स्वयं। ऐसा है, मानो ये माने हैं सुखदेव गोस्वामी का जो वननेस, सुखदेव गोस्वामी का जो एकात्वता प्राप्ति, सुखदेव गोस्वामी का जो एकात्वता प्राप्ति, एकात्मा हो गया भागवत के साथ। इसीलिए शास्त्रकारों ने बताया कि नंदनंदन कृष्णस्तु, संदनंदन कृष्णस्तु स्वयं सुख, सुख सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि एकात्वता प्राप्त हुआ पूरा भागवत का साथ। सुखदेव गोस्वामी का काटो पीटो तो अलग नहीं होने वाला, रोम रोम में भागवत चला गया एकदम नस नस में, जैसे हनुमान जी महाराज बैठ के किंग पुरुष वर्ष में जय राम श्री राम जय जय राम जय जय, ये जो कह रहा है कि मानो कि लगता, शास्त्रकारों ने बताया कि लगता है कि हनुमान जी महाराज का एक एक रोमकूप से राम नाम निकल रहा है। हनुमान जी महाराज ऐसा आनंद के साथ आनंद अश्रु बह रहे हैं, रोमांचित होकर राम नाम कह रहे, जय राम श्री राम जय जय राम, लगता है कि साक्षात राम निकल रहा है, राम दिखाई पड़ता है ऐसा। तो सुखदेव गोस्वामी का जो है भागवत का साथ एकात्मता प्राप्ति, मतलब नंदनंदन सुख नंदनंदन कृष्णस्तु सुख स्वयं, नंदनंदन कृष्ण तो स्वयं सुख रूप में आया है, तो भी प्रवचन हुआ। ऐसे भी हमारा हस्त का विचार है, स्वयं भागवत होने से भागवत का प्रवचन हो सकता है, जो स्वयं भागवत नहीं हो भागवत क्या प्रवचन करे, वो तो पैसा लूटने वाला है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये व्याख्या की, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये व्याख्या की क्या, आप ही मेरा ये जो संशय का सम्यक रूप से जड़ से नाश कर सकते हो। इतना साधु का जमात है, फिर भी देखो छोटा सा बालक है, 16 साल का उम्र है, सुखदेव का कितना सम्मान, इतना साधु का, बड़ा साधु का जमात है, क्या इन लोगों का किसी का रियलाइजेशन है नहीं क्या? बोले हैं, रियलाइजेशन जरूर है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है श्री श्रीमद भागवत जी महापुराण के साथ इतना एकात्मता, इतना वाननेस प्राप्त हुआ कि मानो कि स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान का तो पावर तो ज़्यादा हो गई हैं, ये तो है ही है। तो इसलिए ये मानी ये हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि शास्त्रकारों ये तो इसका तो रियलाइजेशन जरूर है, लेकिन ये तो आपका माफिक तो नहीं है ना है? तो आप दोस्त बन के आए हो, मेरा कुछवान मेरा घोड़े को चला रहे हो, अपना आदमी हो, परमेश्वर तो है ही है, ऊपर से आप दोस्ती का काम कर रहे हो और रथ भी चला रहे हो, मानो कि हमारा रथ चला रहे हो, हमारा अंदर का जो रथ है, हमारा जो शरीर जो रथ है, उपनिषद में बोला ये शरीर रथ है, रथी है भगवान, आप वो चला रहे हो, आप परमेश्वर हो, अतः सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, सभीज्ञ सराट, और तुम व्यतीत हो, तुम छोड़कर कोई ऐसा बंदा है जो एकदम पक्का संशय मेरे को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंके? मेरा विनती है, हमारा ये संशय को आप ही छेदन करने में समर्थ हो सही ढंग से,
एतत् मे संशयम् कृष्णो क्षेत्रुम अर्हसि अशेषतः त्वद अन्नः संशयस्वसो क्षेत्वा न ही उपपद्यते। हमको लगता है कि आपका मापी कोई नहीं है, ये प्रेम की भी बात है। अब आप समाधान आपका मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप गुरु का काम कर रहे हो, आप गुरु का काम कर रहे हो ना। आप तो अभी मेरा दोस्त तो हो, लेकिन आप गुरु का काम कर। आप पहले भी हम कह चुके हैं जे हम आपका चरण में शरणागत हैं, स्वाधी मम तम प्रपन्यम, हमको सिखाओ, हमको बुझाओ, समझाओ, हम नादान हैं, कुछ जानता नहीं। आप गुरु का काम कर रहे हैं, अब गुरु का सामने ही तो जाना है। कृष्ण तो गुरु का काम कर रहे हैं, तो गुरु का काम कर रहा है तो अर्जुन ठीक ही बोला, गुरु छोड़कर किसका पास जाया। आप ही ये संशय को समाधान करो, ऐसा करके विनती की, ऐसा करके विनती की। तब तो भगवान बड़ा आनंद के साथ उत्तर दिया है, श्री भगवान वाच, भगवान बड़ा आनंद के साथ उत्तर दिया है, बड़ा ठीक है। पार्थो ऐसा है, पार्थो नैवेह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तातो गच्छति। यहाँ तातो, तातो मतलब संस्कृत में बड़ा प्यारा शब्द है, तातो बहुत प्यारा शब्द है। प्यार के द्वारा अगर बोले हैं किसी के स्नेह, अपना अपना एकदम फुल अफेक्शन के साथ बोले तो तातो शब्द यूज होता है। तो भगवान ने बड़ा प्रेम के साथ, स्नेह के साथ ये बात को उठाया, पार्थो नैवेह इह जगत में नामत्र पर जगत में विनाशस्तस्य विद्यते। जो अगर मंगलमय, जो अगर मंगलमय मंगलमय सत्कर्म का यारा सा भी अनुष्ठान किया होगा तो उसका विनाश संभव नहीं है। याद नहीं है कि पहले हमने प्रतिज्ञा करके बोल चुका, याद नहीं है? पार्थो नैवेह ये जगत में नामत्रो पर जगत में विनाशस्तस्य न विद्यते, इसका विनाश संभव नहीं है। क्योंकि सत्कर्म का जरा सा भी अनुष्ठान करे तो इसका कोई विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि अगला जन्म में इसको सुयोग दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पार्थो नैवेह नामत्रो विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तातो गच्छति। हे तातो, हे मेरा प्यारा, ये देखो, ये कभी भी कोई सत्कर्म का अनुष्ठान किया तो इसका विनाश होना संभव नहीं है। हो सके कि ठीक है दोबारा उसको सुयोग दिया जाएगा, लेकिन विनाश होना इसका संभव नहीं है। कैसे हो? भक्तिविनोद ठाकुर तात्पर्य जो लिखन में कह रहे हैं कि हे पार्थो, तात्पर्य जो लिख रहे हैं मानो कि भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थो, यह जगत में, इस जगत में अर्थात प्राकृत लोक में और अप्राकृत लोक अर्थात जब परलोक अर्थात अप्राकृत लोक में कभी भी योग अनुष्ठान करने वाले कर्ता का विनाश होना संभव नहीं है। कल्याण प्रापक योग, निष्काम कर्म योग अगर जरा से भी हुआ, भगवान का लिए किया, बस बाद में थोड़ा भ्रष्ट हो गया, लेकिन किया तो सही भगवान के लिए। तो भगवान जी यथा माम प्रपद्यन्ते तं सती भजम्यहम्, हम बेईमान हैं लेकिन भगवान भूल नहीं सकता। हम बेईमान हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान बेईमान नहीं, भगवान याद रखता है। अरे ये तो हमारा तो थोड़ा बहुत किया था, चलो आज मंगल उसका मंगल कर दे थोड़ा, ये अमंगल हो रहा है, भगवान जरूर करेगा मंगल। भगवान कह रहे कि मानो कह रहे कि भगवान हे पार्थो, यह जगत में अर्थात प्राकृत लोक में और परलोक अर्थात अप्राकृत लोक में ये कभी भी योग अनुष्ठान करने वाले कर्ता का विनाश होना संभव नहीं है।
कल्याण प्रापक योग अनुष्ठान करने वाले का दुर्गति कैसे हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तात्पर्य ये है, भक्तिविनोद ठाकुर तात्पर्य लिख रहे हैं, तात्पर्य ये है कि तमाम मानव को दो हिस्सा में भाग किया जाए, एक एक अवैध और वैध हो। जो वैध विधि विधो वैध विधि कुछ पालन नहीं करता अवैध है, और वैध जो विधि मार्ग का थोड़ा बहुत आदर करे। जो सब व्यक्ति केवल इंद्रिय मात्र तृप्ति ये जानता है कि खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ, जो अपना इंद्रिय तर्पण करने वाले जो है एक ग्रुप है, और ये विधि का वशीभूत नहीं है, वो मानते नहीं है कुछ चीज, कुछ मानते ही नहीं। और इन लोगों का जिंदगी जीवन जिंदगी पशुओं का साथ बराबर है, फला फॉलो समझा कुछ। ज्ञानो विशेषो अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, वशिष्ठ मुनि जी ने बताया। आहार निद भय मैथुन च समान में तत्पशुभी पशुभी नरानम ज्ञानो विशेष अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशुभी समान, वशिष्ठ मुनि बोला। ये तो पशुओं में भी है और आदमी में भी है, इसमें क्या विशेष है, ज्ञानी विशेष है, ज्ञान अगर नहीं है तो पशु। तो भक्तिविनोद ठाकुर सही कह रहे, जो सब व्यक्ति इंद्रियों तर्पण करने में लग जाते एंजॉयमेंट में, वो कोई भी विषय विधि का वशीभूत नहीं है, मानते ही नहीं है कुछ। ये लोग का करेक्टर है, बिहेवियर है पशु का नाय पशु का मापिक विधि शून्य। ये अगर बाहरी दृष्टि में जेंटलमैन है, बाहरी दृष्टि में इसका एडुकेशनल पावर है, मानी भी है, कुछ भी हो, पंडित हो, मूर्ख हो, पैसा वाले हो, कुछ भी हो, लेकिन ये अवैधिक अवैध हो, जो व्यक्ति कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मानते नहीं, जो भगवान गीता शास्त्र में बताया ना, जे तस्मात शास्त्र प्रमाणंत कार्य कार्य व्यवस्था, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब शास्त्रों प्रमाण के द्वारा करना चाहिए। अरे एक शास्त्र ना माने तो पैसा वाले हो, बाहर से डिग्री वाले हो, पंडित हो, मूर्ख कुछ भी हो, इसका आचरण तो पशु का बराबर है। ये लोगों का आचरण के द्वारा ये लोग कभी भी मंगल का रास्ते में जा नहीं सकता, क्योंकि पशु का बराबर है। और जो वैद्य नरगन है, जो कर वो वेद का ऊपर भरोसा रखने वाले, ये इसका भी विभाग किया जाए तो कौर्मिक ज्ञानी और भक्त हो, तीन श्रेणी में तीन कैटेगरी में भाग किया जाए। कौर्मिकगण को ऑफिस द्वारा भाग किया जाए, सत सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। और सकाम कर्मी वो अत्यंत क्षुद्र सुखान्यसी, हम कुछ करेंगे ऐसा क्रिया कर्म करेंगे जगत में कि उसका बाद स्वर्ग में जाके भोग करेंगे, सांसारिक उन्नति चाहिए, क्योंकि वो लोग जानता ही नहीं कि सब अनित्य है। ये लोग को पता नहीं कि ये जगत का जो सुख स्वच्छंद आनंद है, ये सब बेकार है, अनित्य है। ये सब चीज को वास्तविक कल्याण नहीं बोला जाता है, ये कल्याण प्रापक नहीं है, लेकिन वो सस्ता है कल्याण, महाराज हमारा कल्याण क्या कल्याण। जीवों का अंदर से जो अज्ञान जब हट जाए, तब उसका अंदर में जो एक आनंद पैदा होता है नित्यानंद, ये कल्याण, इसका नाम है कल्याण। जड़ बंधन जब छूट जाए, जीव अगर समझ पाए कि हम भगवान का दास है, नित्य दास है, हमारा मौत बोल के कोई चीज नहीं, हम अजरा मरवत, आत्मा का कोई मत नहीं है, जीवों का आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जीवों का जड़ मोह हट जाए, तो इसका अंदर में एक नित्यानंदो लाभ हो जाता है प्रकाशित, ये इसका सबसे बड़ा उपकार है, ये कल्याण है। ये नित्यानंद लाभ का
ये नित्यानंद नित्यानंद लाभ करने का प्रयास प्रचेष्टा जहां नहीं है वहां जोग भी रहे, ज्ञान भी रहे, वैराग्य भी रहे, कुछ भी नहीं, वो फलगू ड्राई है। जिस जगह ये नित्यानंद प्राप्त करने का कोई प्रयास प्रचेष्टा नहीं है, फिर दिखावा तपस्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, दान कर रहा, दान कुछ नहीं है, ये फलगु है। फलगु मतलब ड्राई। ये कर्मकांड, ये कर्मकांड में जब उद्देश्य भगवान हो जाता है, कर्मकांड जब नित्यानंद लाभ का उद्देश्य में होता है, तब इसका नाम पड़ जाता है कर्मयोग। कर्मकांड शुद्ध हो जाता है जब भगवत उद्देश्य में किया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है कर्मयोग। ये कर्मयोग द्वारा चित्त शुद्धि हो पाता है। राय रामानंद संवाद में हम बताया, तदंतर ज्ञान लाभ होता है, तदंतर ध्यान योग चरम अवस्था में भक्ति योग लब्ध होता है, और सकाम कर्म ये समस्त आत्मसुख परित्यक्त पूर्वक क्लेश शिकार का विधान भी है। इसके द्वारा कौर्मी को हो, कौर्मी को तपस्वी बोला जाता है। ये तपस्या जितना तक हो सके वो अंतिम में विषय सुख जो ड्राई तपस्या अगर कोई करे तो तपस्या आज कर रहे हैं, किस लिए तपस्या आज कर रहे हैं कि काल मालामाल हो जाए, समझा? आज तपस्या कर रहे हैं इस आइडिया लेके, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं कि काल वो मालामाल हो जाए, तो ये तपस्या थोड़ी कोई उसका कीमत है। महाप्रभु जी ने इसलिए बताया, असुर है वो तप करे ताहे कि बा फल। अरे असुर भी तप करता है, उसमें क्या फल होता है? कुछ नहीं है। असुर भी तो तपस्या करता है, उसमें क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। आज यहां तक रहे। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर मम उर्जिता जमादिभिर योग पथे काम लोभो हतो मुह मुकुंद शिवया यदवत तथा धाता न सम्मति वांछा कल्पतरुष्य के पास पतितानं पावन भवष्णभ्यो नमो नमः।